भुवनेश्वर में हम लोग का 25 ट्रेन चलता है भुवनेश्वर कोचिंग डिपो से, और ऑन एन एवरेज मेरा 210 कोचेस हम लोग डेली साफ़ करते हैं और मेंटेन करते हैं। कोरोना वायरस होने से पहले हम लोग रेगुलर क्लीनिंग एंड वॉशिंग होता था, जिसमें कि स्टाफ जो रिकमेंडेड केमिकल्स है उसको यूज़ करके साफ़ सफाई करता था। अभी कोरोना वायरस आने के बाद जैसे ही कोचिंग डिपो के अंदर आता है, पहले उसमें हम लोग लाइजॉल सॉल्यूशन स्प्रे करते हैं, डिसइंफेक्शन के लिए स्प्रे करते हैं। उसमें एक आदमी स्प्रे गन के सहायता से पूरे कोच में, पूरे ट्रेन में लाइजॉल सॉल्यूशन स्प्रे करता है। उसके बाद ही हमारे जो स्टाफ हैं, क्लीनिंग एंड वॉशिंग स्टाफ हैं, वो ट्रेन के अंदर जाते हैं। उसके बाद वो लोग ट्रेन को क्लीनिंग करते हैं, और ट्रेन का क्लीनिंग होने के बाद जो भी जगह है जिसमें पैसेंजर लोग का हाथ ज़्यादा लगता है, जैसे कि डोर का हैंडल हो गया, टॉयलेट्स के सीट्स हो गए, टॉयलेट्स के डोर लैच हो गए, या फिर बर्थ के चेन कवर हो गए, वो सबको फिर से क्लीन किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है यूजिंग लाइजॉल सॉल्यूशन। तो कोरोना होने से पहले और कोरोना होने के बाद में हम लोग ट्रेन का 2 बार डिसइंफेक्शन कर रहे हैं अभी।